अगर आप एक किसान हैं, अगर आप एफपीओ के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास है। एफपीओ होता है किसान उत्पादक संगठन, यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वीडियो में जानेंगे कि एफपीओ कैसे बनाया जाता है और इसके क्या लाभ है और इसका शुरुआती खर्च कौन वहन करता है और एक एफपीओ में कितने किसानों को जोड़ सकते हैं और क्यों खास है किसान उत्पादक संगठन। तो जानने से पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपको मिलवा रहे हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के अनुज उर्फ अविनाश मौर्य जी से, जो कि ये स्नातक की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने खेती से जुड़े रहने का फैसला किया है। तो इन्होंने साल 2020 में अनुज किसान प्रोड्यूसर कंपनी की शुरुआत की है। वो बता रहे कि एफपीओ का गठन कैसे किया जाता है, तो चलिए हम बताते हैं। तो एफपीओ किसानों का एक ऐसा समूह होता है, ये किसानों का ऐसा समूह होता है जिसे किसान उत्पादन का कार्य करने वाला और किसान और कृषि और व्यवसायिक गतिविधियों को चलाने में एक जैसी धारणा रखने वाला किसान एक गांव या फिर कई गांवों को किसान मिलकर एक समूह का गठन स्वयं से कर सकते हैं और इसमें कम से कम 10 समूह होना चाहिए 10 किसानों का और प्रति किसान 1,000 रुपए देकर शेयर होल्डर बन सकते हैं और इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 5 से 15 होते हैं और इसमें एक पद सीओ का होता है जिसे 3 साल तक नाबार्ड से वेतन मिलता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है जबकि किसानों के पास पहचान पत्र होना चाहिए। तो हमारे देश की सरकार देश के सभी किसानों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान कर रही है लेकिन इसके बावजूद भी किसानों को कई तरह की समस्याएं का सामना करना पड़ता है जिससे किसानों को खेती में किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाता है। इसी कारण से अब धीरे धीरे भारत के किसान अपनी किसानी छोड़ रहे हैं और जिससे अब तक लगातार किसानों की संख्या में कमी होती जा रही है। वहीं मार्च 2016 में भारत सरकार द्वारा कृषि नीति में ऐतिहासिक में परिवर्तन लाने का ऐलान किया था कि भारत की कृषि नीति का मुख्य लक्ष्य 2022 तक अनाज का उत्पादन बढ़ाकर किसानों को आमदनी दुगनी करना है। उसके बाद हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि क्यों खास है किसान उत्पादक संगठन। तो एफपीओ से छोटे या मध्यम और भूमिहीन किसानों को मदद मिलेगी और एफपीओ के सदस्य और गठन के तहत अपनी गतिविधियों का प्रबंधन कर सकेंगे ताकि प्रौद्योगिकी निवेश वित्त और बाजार तक बेहतर पहुंच हो सके और उनकी आजीविका तेजी से बढ़ सके। छोटे और मध्यम किसानों की संख्या देश में लगभग 86% जिसके पास औसत 1.1 हेक्टेयर से कम की खेती है। तो इन छोटे और मध्यम भूमिहीन किसानों को खेती के समय भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिसमें प्रौद्योगिकी उच्च गुणवत्ता के बीज उर्वरक और कीटनाशक जैसे दवाइयों को समुचित वित्त की समस्याएं शामिल हैं। तो सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं कि हम इस कंपनी से क्यों जुड़े। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इस कंपनी से जुड़ने के आपको कई लाभ हैं। जैसे कि अगर हम इस कंपनी से जुड़े हैं तो हमें अपनी उपज का अच्छा दाम मिलेगा, जैसे कि भारत सरकार द्वारा कोई भी योजना आती है तो सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाएगी। जैसे अभी तक क्या होता है फ्रेंड्स कि छोटे छोटे गांवों में छोटे छोटे किसानों तक कोई भी भारत सरकार द्वारा योजना प्रोवाइड की जाती है तो उनके तक उस योजना का लाभ नहीं पहुंच पाता है और उन्हें इस योजना का जानकारी नहीं मिल पाती है। अगर आप इस योजना से जुड़े रहेंगे तो इस कंपनी से जुड़े रहेंगे तो आपको हर जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। यही नहीं
बल्कि अगर आपको समय पर खाद भी मिलेगी, बीज भी मिलेगी और समय समय पर आपको आवश्यकता अनुसार दवाई भी मिलती रहेगी और किसी उपकरणों को खरीदना भी आसान होगा। तो सपोज दैट कि अगर आपको सामान्य दर से अगर कोई भी आप गेहूं की मड़ाई करते हैं तो आपको वहां पर अगर सामान्य दर 1000 रुपए चलता है, अगर आपको कंपनी से जुड़े हैं तो आपको उसमें भारी छूट मिलेगी। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जो किसान से संबंधित रोजगार है और वो अपनी सेवाएं रोजगार सेवाएं होती है वो आपको सस्ते दर पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो उसके बाद हम आपको बता दें कि अगर आप अनुज किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। तो बता दूं कि अगर आप अनुज किसान प्रोड्यूसर कंपनी के शेयर होल्डर बनने के लिए आपको किस चीज की डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात तो आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, उसके बाद आपको बैंक पासबुक की डिटेल्स। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो आपसे ये डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं वो आपको शेयर होल्डर बनने के लिए आपको एड्रेस प्रूफ के तौर पर लिए जाएंगे और आपका जो आधार कार्ड है ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स है आप कहीं पर आपको लीक नहीं किए जाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित तो जो अनुज किसान प्रोड्यूसर कंपनी के चेयरमैन अनुज उर्फ अविनाश मोर जी की सारी जिम्मेदारी होगी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आपको अनुज किसान प्रोड्यूसर कंपनी के लिमिटेड से तो शेयर होल्डर बनने से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो उनके व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर मैंने अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर उनसे जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा और ऐसे एक जानकारी के लिए दोबारा आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।